अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की वर्किंग को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी स्टूडेंट्स। तो स्क्रू गेज को यूज़ करने का, उसको इस्तेमाल करने का जो सबसे पहला स्टेप है, उसके अंदर आपने फाइंड करना है कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। अगर ज़ीरो एरर नहीं है फिर तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर उसके अंदर ज़ीरो एरर है तो उसकी आपने करेक्शन किस तरह करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है जी। तो आपने ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये करना है कि जो गैप होता है बिटवीन स्पिंडल और स्टड, उसको आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है, बाय रोटेटिंग द रैचेट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन जी स्टूडेंट। तो ये रहा रैचेट, ये स्पिंडल और ये स्टड, इसको एनवल भी कहा जा रहा है। आपने करना कुछ यूँ है कि इस रैचेट को आपने क्लॉक वाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल है ये आगे मूव करेगा और इनके दरमियान ये जो गैप है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये स्टड के बिल्कुल साथ फिक्स हो जाए जी। तो मेन स्केल पे ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन जी। जब आपने रैचेट को रोटेट करके स्पिंडल और स्टड को बिल्कुल साथ फिक्स कर दिया, क्लोज कर दिया, तो क्या हो, अगर तो जो ज़ीरो देखें, ये ज़ीरो किसका है, ये सर्कुलर स्केल का है। अगर ज़ीरो सर्कुलर स्केल का जो है कोइंसाइड कर जाए, बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए, ठीक है, आपने क्या कहना है, एज ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन, देन इस स्केल में, इस स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है। आपने कहना है नो ज़ीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है अगर सर्कुलर स्केल ज़ीरो कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन जी। अब देखें इसमें बिल्कुल आमने सामने है, तो नो ज़ीरो एरर इस कंडीशन में। देखें बी में ये जो इंडेक्स लाइन है, ठीक है, ये देखें ये जो रेड लाइन है ये इंडेक्स लाइन है। अब देखें जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन के किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखें ये ज़ीरो है तो आप क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिहाइंड है, मतलब नीचे है इंडेक्स लाइन के, ठीक है। इफ़ द ज़ीरो सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन देन ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अब सी में देखें, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स लाइन के नीचे है, इधर क्या हो गया, ज़ीरो इंडेक्स लाइन के ऊपर चला गया, उसने क्रॉस कर दिया इसको, मतलब अब ज़ीरो जो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया है, ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉस्ड इंडेक्स लाइन। तो जब ज़ीरो सर्कुलर स्केल क्रॉस कर जाए देन एरर किस तरह का होगा, पॉजिटिव, जब बिलो है बिहाइंड है, और जब क्रॉस कर जाएगा देन नेगेटिव ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन। जब क्रॉस कर जाएगा तो एरर किस तरह का होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा जी स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को इस एरर की समझ लग गई होगी कि पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या होता है। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह।